माय डियर फ्रेंड्स नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज आनंद एक सीनियर फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूं और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो बहुत रेलेवेंट हो गया है ऑफ कोर्स कोरोना के संदर्भ में। देखिए, लॉकडाउन लगभग खत्म होने वाला है। हम सब के ऑफिस या तो फुल कैपेसिटी पे या आधी कैपेसिटी पे शुरू हो चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ अस हम चाहें न चाहें तो भी वी हैव टू गो टू ऑफिस, राइट। तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं, वो क्या सावधानियां हैं, वो क्या तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे हम अपने ऑफिस में कोरोना से सेफ हो सकें और वो इन्फेक्शन घर न लेके आए। सो ओवर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई डिस्कस क्या क्या वो मेजर्स हैं। पहला तो ऑफकोर्स अगर बिना ऑफिस जाए काम चल सके तो प्लीज वर्क फ्रॉम होम, लेकिन हम डिस्कस ही ऑफिस की बात कर रहे हैं तो दैट ऑप्शन इज गॉन। तो क्या करना है? सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है कि आप जब भी ऑफिस जाएं तो अपने साथ अपनी पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं और अपना पर्सनल मास्क लेके जाएं और इसको ऑफिस में एक सेफ जगह पे रखें। अब दूसरा यह है कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर नाउ। अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बसें हैं या मेट्रोज हैं उनको अभी अवॉइड कीजिए, क्राउडेड होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका अपना व्हीकल है तो पर्सनल व्हीकल से ही जाना ज़्यादा सेफ है। एक बार आप ऑफिस आ गए तो जो आपके नियोक्ता या एम्प्लॉयर हैं उनको मेरी सलाह है कि प्लीज़ अपने ऑफिस को रीडिज़ाइन कीजिए। जो वर्किंग स्पेसेस हैं उनको ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि आपकी वर्कफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो सके। याद रखिए, जब आप छींकता है आपका एम्प्लॉई या जब कोई खांसता है तो ये वायरस 12 फिट तक जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर अपने हॉस्पिटल की स्टाफिंग को ऐसे शेड्यूल कर दें, से फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट्स में काम कराएं, तो आपके पास 24 आदमी हैं, अगर 3 शिफ्ट कर दी तो 8-8 आदमी आएंगे तो क्राउडिंग नहीं होगी। ऐसे ही कॉरिडोर्स हैं जहां तक, तो उन कॉरिडोर्स में कोशिश कीजिए, अगर बड़ा ऑफिस है 100 आदमी काम कर रहे हैं तो एक कॉरिडोर हो जिसमें वन वे हो जाने का रास्ता और दूसरे कॉरिडोर से आने का रास्ता, तो आमने सामने जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो सीरियसली कम हो जाएंगे। आप एज एन इंडिविजुअल ऑब्वियसली अपने और साथियों से दूरी रखिए। देखिए, ये भरत मिलाप का या होली मिलने का टाइम नहीं है। आपको जो करना ये है कि अपनी सीट पे काम करें। सीट पे बैठने से पहले, मैं भी करता हूँ, डिसइंफेक्टेंट से अपने हाथ से उसको टिश्यू पेपर से साफ कर लें तब बैठें उस पर। कोई बार बार आपकी टेबल पे ना आए जहाँ तक हो सके, फ़ोन से काम कर लें ऑफिस में। तीसरी चीज, बहुत हंसी ठट्टे या मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अरे भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है, प्लीज़, या फ़ोन पे कर सकते हैं। देखिए, इवन जब आप बोलते हैं तो कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट्स फुट 1-2 फुट तक जाती हैं एंड यू कुड बी रिसीविंग और गिविंग इन्फेक्शन। सो ये ज़रूरी है। लंच टाइम प्लीज़ अपने डेस्क पे कीजिए, कैफेटेरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एटलीस्ट 3 लोगों को जानता हूँ जिनको लंच टाइम में इन्फेक्शन फैल गया है। याद रखिए, हर आदमी खांसेगा छींकेगा नहीं अगर उसको कोरोना है। बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं जिनको अभी सिम्टम्स है नहीं या होंगे भी नहीं, 85% लोगों, बट उनमें ये क्षमता है कि वो इन्फेक्शन दूसरों को दे दें और उनको सिम्टम हो जाए। अब मीटिंग्स, तो मेरा सजेशन ये है कि मीटिंग्स बहुत छोटे रूम में क्राउडिंग में मीटिंग मत कीजिए। आजकल सारी जूम मीटिंग्स, नेट मीटिंग्स हो रही हैं, गो फॉर देम। एक बहुत प्रैक्टिकल सजेशन, देखिए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग थोड़ी सी डेंजरस है, इससे वायरस एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो हो सके तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से बचिए। पहले हम एसी में नहीं रहते थे, कोई ज़रूरी नहीं आप एसी में करें। एक पंखा लगा लीजिए जैसा मेरे यहाँ लग रहा है और इसको जब आप चलाएंगे तो पीछे से हवा आएगी, ये वायरस जो हवा के साथ जाता है, तो कोई आदमी आपके सामने इन्फेक्टेड भी है तो अगर पीछे से ब्लो आ रहा है, हवा का फ्लो आ रहा है और आपका दरवाज़ा या खिड़की सामने खुली है तो उससे निकल जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन
रखिए, दरवाजे खिड़की अगर रख सकें तो खुले रखिए। ये सारे छोटे छोटे से चेंजेस हैं बट बहुत नेसेसरी है। पुरानी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सैनिटाइजर या हैंड वॉश साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क मैक्सिमम टाइम बल्कि कहूँगा हरदम लगा के रखें, एंड प्लीज स्टे सेफ। ये खतरा गया नहीं है, आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है बड़े, लेकिन हम कोरोना की बीमारी से बचने के चक्कर में इकोनॉमी की बीमारी को नहीं बढ़ा सकते, ऑफिस खोलने पड़ रहे हैं। अगर आप धीरे 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 ये आदतें ढाल लेंगे अपने में तो भारी नहीं पड़ेंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।